Dear student, today our topic is cash budget from management accounting. It is a very important topic for BCom final year examination. So let's start cash budget. But before starting the topic cash budget, मेरी आप सभी स्टूडेंट से एक बार फिर हर बार की तरह निवेदन रहेगा कि आप सभी स्टूडेंट कोरोना 19 से बचाव के लिए प्रयास करते रहिए, अपने और अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, जो भी इस बीमारी से बचाव के लिए हमारी सरकार ने, हमारे डॉक्टर्स ने नियम बनाए हैं, उन सभी को मानिए और घर पर रहकर अपनी स्टडी को कीजिए और जो भी प्रॉब्लम आती है वो मेरे से डिस्कस करते रहिए। सो स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट टॉपिक कैश बजट। फर्स्ट, व्हाट इज ए कैश बजट? ए कैश बजट रिप्रेजेंट द एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो of an organization over a defined period of time. Especially cash budget में एक निश्चित समय के लिए हमारे पास कितनी cash की उपलब्धता होगी और कितना खर्च होगा, इस सभी बात को cash budget दर्शाता है. It is an estimate of the cash received expected in the future over the budget period. The expenditure to be incurred in cash and finally the cash balance with the company at the end of the period. तो cash budget especially क्या बताता है? एक निश्चित period के लिए, एक निश्चित period के लिए हमारे पास कितना खर्च होगा और उस निश्चित period में कितनी हमारी income हो सकती है, इस सभी के बारे में cash budget बताता है. Especially the cash position can be ascertained more frequently, say every month, to keep a check on the company performance with the regards to the budget. तो एक निश्चित पीरियड के लिए कैश की पोजिशन कंपनी जान सकती है कैश बजट के द्वारा. एंड नाउ, हाउ इज द कैश बजट प्रिपेयर? A cash budget takes shape after the preparation of the other budgets like sale, purchase, master budget, etc. These budgets give a clear picture of the cash drives in the company and by how much. This budget mainly comprises of three parts. First part, cash inflow. फॉरकास्टिंग. कैश बजट में सबसे पहले हम बात करेंगे कैश इनफ्लो, यानी कि जिस पीरियड के लिए हम बजट बना रहे हैं उस में कैश कहाँ कहाँ से आएगा. दिस बजट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द प्रोबेबल सोर्सेस फ्रॉम वेयर द कंपनी कैन अर्न कैश ओवर द बजट पीरियड. इस बजट पीरियड में कैश कहाँ कहाँ से आ सकता है. दीज सोर्सेस, क्या सोर्स हो सकते हैं? इंक्लूड कैश सेल, कैश टू बी रिसीव्ड अगेंस्ट अकाउंट रिसेबल्स एंड कैश टू बी जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ ए फिक्स एसेट ओवर द पीरियड, कैश टू बी अर्न फ्रॉम द सेल्स ऑफ स्टॉक एंड बॉन्ड्स और एनी अदर सिमिलर सोर्सेस. द कैश बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द बजट पीरियड विल एडिड अप to the total cash inflow to give the total cash with the company over the period. So these are ये विभिन्न प्रकार के resources हैं कि cash कहाँ से आ सकता है. cash सेल से आ सकता है, debtors से जो रकम प्राप्त हुई उनसे प्राप्त हो सकता है, receivable से प्राप्त होगा, कोई संपत्ति हमने भेजी उससे प्राप्त होगा. तो जिन जिन resources period में cash आएगा वो निम्न सिचुएशन है. अब बात करते हैं कैश आउटफ्लो फॉरकास्ट.
कैश कहाँ कहाँ पर यूज होगा। प्रिपेयरिंग द बजट विल टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल द प्रॉब्लम कैश आउटफ्लो ड्यूरिंग द बजट पीरियड। दीज आउटफ्लोज विल इंक्लूड ऑल द कैश पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जैसा कि क्लियर है रॉ मटेरियल जो खरीदा है उसका पेमेंट कैश परचेज एंड पेड टू क्रेडिटर्स। इनपुट और सेमी फिनिश प्रोडक्ट कंज्यूमेबल एनी कैश टू बी पेड फॉर द परचेज ऑफ ए फिक्स एसेट ड्यूरिंग द पीरियड। प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस लेबर पेमेंट्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रिक्वायरमेंट्स डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। दीज आर ऑल एक्सपेंसेस विल बी पेड इन फ्यूचर। जो भी एक्सपेंसेस हम भुगतान करेंगे फ्यूचर के उस पीरियड में जिसमें हम कैश बजट बना रहे हैं, तो उसका हम अनुमान लगाएंगे कि ये कैश हमारे पास से किन किन कमोडिटी में खर्च हो रहा है। जैसे कि इसमें स्पष्ट है कि सबसे पहला खर्च हमारा रॉ मटेरियल परचेज पे होगा। रॉ मटेरियल कैश खरीदेंगे या उधार खरीदेंगे तो उनका पेमेंट किस महीने में होगा, वेजेस का पेमेंट कब कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का कब खर्च हो रहा है एंड ऑल अदर एक्सपेंसेस विल बी पेड इन बजट पीरियड। दीज आर ऑल कैश आउटफ्लो। एंड नाउ नेक्स्ट इज कैश बैलेंस फोरकास्टिंग। व्हाट इज द कैश बैलेंस फोरकास्ट? इट्स अ डिफरेंस बिटवीन द कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। द कैश बैलेंस फोरकास्ट इज डन बाय द डिडक्शन ऑफ द टोटल कैश आउटफ्लो फ्रॉम द कैश इनफ्लो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मे बी ए वन वीक और ए मंथ एज द मेजरमेंट फील्स अप्रोप्रिएट। इफ द बजट For is a high surplus of cash balance, the management may use it. Especially you cash budget में जब हम cash balance में देखते हैं कि cash inflow future के उन month में जिनका budget बना रहे हैं उसमें कितना cash हमारे पास आ रहा है और कितना जा रहा है और इसका difference क्या है। यदि ये difference surplus में बचता है तो व्हाट इज द यूज ऑफ सरप्लस? इट्स द मैनेजमेंट में यूज इट प्रिपेयरिंग ए फाइनेंसिंग बजट। इट्स बिकम्स द बेसिस ऑफ डिसाइडिंग सुटेबल इन्वेस्टमेंट फॉर द कंपनी। ये कंपनी डिसाइड कर सकती है कुछ सुटेबल इन्वेस्टमेंट में, वो कुछ एसेट्स परचेज करने में भी खर्च कर सकती है। द मैनेजमेंट मे डिसाइड टू इन्वेस्ट इन लैंड प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्ट इन सम अदर फिक्स एसेट्स और मे एलोकेट द सरप्लस फंड टू द अदर फंक्शन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एज पर नीड। तो जहाँ भी मैनेजमेंट आवश्यकता समझेगी अगर सरप्लस बचता है तो उसका यूज हो सकता है और इसका आकलन पहले से ही हो सकता है कैश बजट के द्वारा। तो फर्स्ट कैश बजट के तीन फेज हैं, पहले कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो और कैश बैलेंस फोरकास्ट। हियर इज कैश बजट। जैसे कि हमने अभी बताया है कैश बजट रिप्रेजेंट एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओवर ए डिफाइंड पीरियड। कैश फ्लो इंक्लूड एक्सपेक्टेड कैश रिसीव्ड,
कैश पेमेंट एंड रिजल्टिंग कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ पीरियड. नोट द कैश बजट इंक्लूड ओनली द ट्रांजेक्शन वेयर एक्चुअल कैश विल कम इन और गो आउट, सो इट विल नॉट इंक्लूड क्रेडिट सेल फॉर विच कैश इज नॉट येट रिसीव्ड एंड एनी अदर क्रेडिट एक्सपेंसेस. स्पष्ट है कि कैश बजट में हम एक पर्टिकुलर पीरियड के केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन का प्रयोग कर सकेंगे या उन्हीं ट्रांजेक्शन को लेंगे जिसमें वास्तव में हमारे पास उन महीनों में कैश आएगा और जाएगा. यदि बजट पीरियड में कोई क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज है जिसका पेमेंट उन महीनों में ना लिया जा रहा ना दिया जा रहा है तो वे ट्रांजेक्शन इसमें इंक्लूड नहीं होंगे. यहाँ पर केवल कैश ट्रांजेक्शन ही लिए जाएंगे. जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो. एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो में क्या रहेगा? दिस टेक्स इनटू अकाउंट ऑल प्रोबेबल सोर्सेज फ्रॉम वेयर कंपनी कैन अर्न कैश ओवर बजट पीरियड. तो एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो में उन सारी रिसोर्स को हम लेंगे जहां जहां से हमारे पास कैश आ सकता है. स्पेशली वो कैश सेल का होगा, कैश रिसीव फ्रॉम डेबिटर्स का होगा, सेल ऑफ एनी एसेट्स और एनी कैश रिसीव्स. जस्ट आर सेम कंडीशन इन एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लो. दिस टेक्स इनटू अकाउंट ऑल प्रोबेबल कैश आउटफ्लो ड्यूरिंग द बजट पीरियड. इसमें केवल वो ही ट्रांजेक्शन लेंगे जिनमें हमारे पास से कैश जा रहा है. यहाँ पर ध्यान देंगे जिनमें हम कैश हमारे पास से जो जाएगा, जैसे हमारे पास से परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड कैश पेड टू क्रेडिटर्स, पेमेंट पेड टू बीपी एंड पेड टू एनी अदर एक्सपेंसेस एंड लास्ट इज एक्सपेक्टेड कैश बैलेंस. इट इज डन बाय डिडक्शन ऑफ द टोटल कैश आउटफ्लो फ्रॉम द कैश इनफ्लो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. एक उस पर्टिकुलर पीरियड में जो कैश आया है उसमें से जो कैश गया है वो घटाकर हमारे पास कैश बैलेंस होगा. इम्पोर्टेंस, देयर आर थ्री इम्पोर्टेंस ऑफ कैश बजट हेल्पफुल इन प्रॉपर प्लानिंग, हेल्पफुल इन ट्रैकिंग सीजनल वेरिएशन. And helpful in building brand value. Next is importance of cash budget. First is helpful in proper planning. The cash budget helps the management in the proper planning. It will know in advance the possible cash surplus or deficit scenario in the near future. In both cases, it can stay prepared in advance to avoid sudden crisis or losses of investment opportunity. जैसे कि है कि कैश बजट का सबसे ज़्यादा फायदा कहाँ हो रहा है कि हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, और ये प्लानिंग तब की जा सकती है जबकि हमें ये पता हो कि आने वाली उस पर्टिकुलर पीरियड में हमारे पास कैश सरप्लस में बचेगा या कैश की कमी होगी. यदि कैश की कमी होने जा रही है तो उसके लिए वो कहाँ कहाँ से हम ले सकते हैं उसकी व्यवस्था पहले की जा सकती है, और अगर वो सरप्लस में बचने जा रहा है तो उसका प्रयोग कहाँ किया जा सकता है, कहाँ कहाँ हम इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, ये हम कैश बजट के द्वारा ही पता कर सकते हैं. नेक्स्ट इज
And next is seasonal. Seasonal variation. Seasonal variation, a cash budget may be overall positive, but it may still now cash deficits in certain month or periods due to the seasonal nature of business. The management can carefully draft plan to take these in the seasonal variations in advance. Proposed cash outflow can be timely and avoided for the period of stress of or low sales. It will help the company to prevent cash shortages. तो ये सीजनल वेरिएशन की इस प्रॉब्लम के द्वारा भी सोल्व हो सकता है. सो स्टूडेंट, ये कुछ बातें हमने देखी हैं कैश बजट के बारे में. तो कैश बजट के द्वारा हमने जाना कि कैश बजट कैसे बना सकते हैं, कैश बजट के कौन कौन से हमारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, कौन कौन से कैश बजट के द्वारा हम निर्णय ले सकते हैं. तो ये कैश बजट की थ्योरी हमने ध्यान दी और इसके बारे में जाना. अगली वीडियो में हम कैश बजट के न्यूमेरिकल करेंगे. ओके स्टूडेंट, थैंक्स.